इंदौर की जिला जेल में एक बार फिर कैदियों के बीच विवाद की घटना सामने आई है। हम आपको बता दें कि जेल में बंद कैदी किसी बात को लेकर अंदर ही जमकर लड़े, जिसके बाद एक कैदी को गंभीर चोटें आई तो उसे जेल प्रबंधक ने इलाज के लिए इंदौर के MY हॉस्पिटल पहुंचा दिया है। जेल के अंदर ड्रग्स माफियाओं के दो गिरोह में आपस में विवाद हो गया था और इस विवाद के बाद एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के शादाब पर नुकीली वस्तु से हमला कर दिया, जिसके बाद शादाब को गंभीर चोटें आ गई है। फिलहाल विवाद पुराने कारणों चलते हुआ है। जेल प्रबंधक जेल के अंदर मारपीट करने वाले चार कैदियों की शिकायत है। वहीं संयोगितागंज पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर पूरे मामले की विवेचना शुरू कर दी है। फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम के सामने आने के बाद जेल प्रबंधन ने जेल प्रहरी दीपक तिवारी को सस्पेंड कर दिया है। वहीं पूरे मामले की सूचना भी अधिकारियों को दे दी है। इंदौर से ब्यूरो राकेश सच्चर के साथ सतीश शर्मा की रिपोर्ट। विवाद की सूचना थी क्या है? हाँ, जिला जेल से अभी एक प्रधान आरक्षक मनोहर सूर्यवंशी ने जेलर साहब की तरफ से एक लिखित में आवेदन लाके दिया है। उसमें ऐसा उन्होंने बताया है कि कोई बंदी है शादाब, उसके साथ में आदिल, सलमान, सिद्धू उर्फ शादाब एवं अरुण नाम के चार बंदियों ने जिला जेल में किसी नुकीले सरियानुमा हथियार या ब्लेड से संभवतः ऐसा लिखा उन्होंने उसकी मारपीट की है कोई पुरानी बात को लेकर, तो उसमें से प्रकरण पंजीबद्ध करके विवेचना लिया जा रहा है और कार्रवाई की जा रही है। इसमें कितने लोग घायल बता रहे हैं सर? एक घायल बताया उन्होंने, एक को चोट लगाना बताया और उसका जिला जेल के स्टाफ के द्वारा ही दिन में उसकी MYH में OPD में कोई इलाज भी कराया गया है। अभी हम लोगों के पास में जस्ट अभी तहरीर आई है तो उस पर हम FIR पंजीबद्ध कर रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।